YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज क्या क्या बना है बोलो जी। आज आलू का भुजिया और खीर नहीं सेवई बनाएंगे, पराठे। पराठे तो भुजिया मेरी बन रही है, सेवई मेरा बन गया है और आटा लगाना है। अभी आटा लगाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, पराठा नहीं बनेगा आज। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा आलू का भुजिया। तो ये रही मेरी आलू की भुजिया जो कि मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। हाँ जी, आपको पसंद है ना? और ये मेरी सेवई जो कि मेरे बेटे को पसंद है। आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर पाई हूँ क्योंकि पीहू का क्लास ऑफ है। पीहू सेकंड क्लास है। टाइम भी हो गया। हो गया टाइम? लो, तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, आप लोगों को बता दिया कि हमारे घर में ये ब्रेकफास्ट बना है। और दो दिन से ना बहुत बादल बादल से यहाँ मौसम हो रहा है। एक दिसंबर चढ़ते ही इसने अपने जलवे दिखा दिए हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ठंड पड़ेगी ही नहीं। तो पीहू को मैंने एक काम दिया है, पीहू कपड़े फोल्ड कर रही है। प्रिंस क्लास शुरू कर रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। नहाएगी नहीं, अभी बादल है यार, थोड़े देर में नहा लेगी 10 बजे तक। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट से, इनको मैं रोटी बना के दूंगी और उसके बाद मैं करूंगी अपना एक्सरसाइज, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो, और जिन्होंने किया है उनको थैंक यू। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। मैं बनाने वाली रोटी थी बट आज का जो मौसम है वो थोड़ा सा बादल बादल सा था तो बच्चों का और इनका मन कर दिया था कि पूरियाँ खाएं, तो सेवई और सब्जी तो बनी ही थी तो मैंने पूरियाँ छान दी है। और जब ऐसा मौसम होना तो कुछ तली हुई चीज़ें ही खाने का मन करता है। मुझे पता है मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ना बस सब्जी और पूड़ी खाने वाले हैं, वो सेवई नहीं खाएंगे क्योंकि वो मन से सेवई खाते नहीं हैं। सेवई मुझे और मेरे बेटे को ही पसंद है तो प्रिंस के बल्ले बल्ले हो जाते हैं अगर सेवई बन जाए तो, वो बहुत खुश होता है। बट पापा बेटी का पसंद एक है और हम दोनों का पसंद एक है, तो उन दोनों को खीर पसंद है और हमें सेवई। वैसे मेरी पसंद का कुछ नहीं है, मैं सारी चीज़ ही खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं खाती हूँ वो नहीं खाती हूँ। मैं नहा ली हूँ और अभी 11 बज के हो रहा है 10 मिनट और अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो देखिए मैंने ये बनाया है, सूजी का चीला, और मैं लूंगी थोड़ा सा सेवई। पूरी भुजिया वगैरह मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे हेल्दी तो खाना ही चाहिए मगर ना हैवी ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है तो मैं लाइट ही खाती हूँ। और बच्चे, हस्बैंड जी सब, इनका तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है। टाइम मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, मेरा घड़ी 11 बज के हो रहा है 15 मिनट और ये इधर खा पी के आराम फरमाए जा रहे हैं। ठंडी नहीं लग रही? आज कहीं जाने का प्लान था हमारा बट प्रिंस को ठंडी लग रही है इसलिए नहीं जा रहे हैं। चलोगे क्या? नहीं, देखिए प्रिंस पहले सर हिला रहा है। तो मैं बैठ गई हूँ अभी आप लोग को अपना शॉपिंग दिखाने के लिए हम अक्षरधाम से। तो क्या क्या मैं ली हूँ वो आप लोग को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया है अक्षरधाम से। क्या होता है ना, धाम वगैरह जाओ तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली मिलते हैं सामान, तो इसलिए हम उतना सामान नहीं लेते हैं। मार्केट से ही लेना ठीक रहता है, उधर से लेने पर ना ऐसे लगता है मुझे कि रेट ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम वहाँ से कुछ ज़्यादा मार्केट नहीं करते हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो। बट हमने बहुत ही
जो हमें अच्छा लगा, थोड़ा उसका प्राइस भी अच्छा लगा तो हमने ले लिया है। तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं लिया, जो मैं ली हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो ये सबसे पहले हमने लिया है अक्षरधाम से। तो यहाँ देख सकते हो आप स्वामीनारायण की पिक लगी हुई है और इधर ये अक्षरधाम मंदिर है। तो ये है, किसी किल कहीं से हम लगाएंगे तो अच्छा लगेगा ये। और एक मैंने लिया है, मैंने नहीं लिया है, हस्बैंड जी ने लिया है अपने लिए। तो ये जब हम स्टेशन से निकले ना मेट्रो स्टेशन में, तो वहां पर ही एक एडिडास का वो है, शोरूम है, तो वहां से ये हस्बैंड जी ने लिया था, ये वाला जैकेट देख सकते हो आप, ये मस्टर्ड येलो कलर का है, ये देखिए। और इधर पीछे कैप भी लगा हुआ है। और एक मेरे प्रिंस ने लिया है अपने लिए, ये पैक का पैक ही पड़ा है, एक ये है टी शर्ट जिसमें कि लिखा हुआ है अक्षरधाम, देख सकते हो। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर अक्षरधाम, और वहां जो भी टी शर्ट मिल रहे थे ना वहां पर टी शर्ट में लिखा हुआ था अक्षरधाम। और ये मेरा है, ये हस्बैंड जी लेकर आए थे लोकल मार्केट से, यहीं से ही। ये देखिए ये स्वेटर है। तो बस ये रही मेरी शॉपिंग, और हमने इतना ही शॉपिंग किया है। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।